टोनी कक्कर एक तरफ, लंजिंग डोमिन एक तरफ, ये दोनों का गाना हम हमेशा सुन के क्या करते हैं पता है, हाथ थूक। तो आप सबका फिर से वेलकम है एक नया सब वीडियो में। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पर्सन, जो इंसान जो वक्त आने पे दिमाग से नहीं कमर का नीचे से सोचना शुरू कर देता है, जो इंसान जो अपना गाड़ी का सीट के हिसाब से अपना कचरा पेलाना चाहता है। फ्यूचर में मैं आराम से 1 2 3 4 चार बच्चे पैदा कर पाऊंगा। पांच लास्ट में तीन बैठेगा। हाँ, तीन भी बैठ जाएगा। मैं पांच बच्चे पैदा कर पाऊंगा थैंक्स टू द लंजिंग। यहाँ पे वो बस नहीं करता है, नहीं तो एक समय अरुणाचल के फ्यूचर में ऐसे होना था कि हर जगह लंड ही लंड घूम रहा है, वो भी ओप्पा वाला। इफ यू गाइस आर कंफ्यूज अबाउट ये इंसान को हम लेंजिंग नहीं बोल के लंजिंग क्यों बोल रहा है, देखो हम जैसे नॉर्मल इंसान को अगर कोई लड़की जो भैया बोलेगा तो ज्यादा से ज्यादा दिल में लगेगा, नहीं तो दिमाग में। ये इंसान को कहाँ लगता है पता है, इसका लोकल आलू में। आज तो मैं सिमरन को प्रपोज करके ही छोड़ूंगा। सिमरन जी भैया। एंड यू नो दोस्त लोग, दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फक बॉय। नहीं नहीं आप लोग गलत सुने, वक बॉय। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ वक बॉय, जो लड़की को साथ में रहने का वादा करके झुका के चोरने का वादा पर ज्यादा विश्वास रखने वाला लेंजिंग डोमिन। तो बात यहाँ पे ये है कि इसका नाम जो लेंजिंग से लंजिंग कैसे पड़ा, तो ये भैया वर्ड सुनने का बाद इसका एल ई एन में इतना जोर से लगा कि इसका आज तक एल यू एन जो जिंग करते रहता है, तब जाके इसका नाम पड़ गया लंजिंग। Emotional damage. तो आप सबका फिर से वेलकम है एक नया सा वीडियो में। तो ये वीडियो बस एक एंटरटेनमेंट पर्पोज के लिए है दोस्त लोग। अगर ये वीडियो को जो आप लोग दिल में लेता है वो अपना गद्दा में भी ले ले। तेरी जुल्फों के साये ने उसे दीवाना कर दिया, उसने भी अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। देखा जो तुझे कल अपनी ही बॉयफ्रेंड की निंदा करते हुए थाए 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 मार दिया। ये गूगल से भी पुराना इंसान पता नहीं कौन सा किताब से ये घटिया वाला शायरी सुन के आया होगा। तो ये शायरी सुनने के बाद मेरा तरफ से लेंजिंग बाई के लिए बस दो लाइन है, तेरे जुल्फों की साये ने उसे दीवाना कर दिया। हाय क्या बात है। तेरे जुल्फों की साये ने उसे दीवाना कर दिया, तेरे ही दिखावा के नाटक ने तुझे बायकॉट कर दिया। जब से तेरा चेहरा यूट्यूब में हम सब लड़कों ने देखा, रात को हिलाकर सोना ही छोड़ दिया। स्पेशल रिक्वेस्ट यहाँ पे लंजिंग डोमिन लोग का फैन के लिए, जरूरी नहीं है कि आप लोग हर समय उसको फॉलो ही करना है। इटानगर का रास्ता जैसे शायरी आजकल का जमाना में सुनाएगा ना, इस बार चेहरा पे नहीं कहीं और खाएगा। वीडियो आगे नहीं बढ़ने से पहले आप लोगों को विच गुरुकुल वेबसाइट का बारे थोड़ा बताना चाहेगा। विच गुरुकुल वेबसाइट एक ऐसा गवर्नमेंट रजिस्टर्ड वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना ऑनलाइन स्किल्स दिखा के दिन का सिर्फ 2 या 3 घंटा काम करके वीकली आप लोग 20 से लेकर 30,000 तक भी कमा सकता है। ये वेबसाइट वर्क फ्रॉम होम है और इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। इस वेबसाइट में फर्स्टली यू विल लर्न एंड देन यू विल अर्न। अगर आप लोग में से भी कोई अपना पुराना बाकी क्लियर करना चाहता है या पैसा कमाने का कीड़ा है, देन यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट दिस नंबर। लाइक टू से समथिंग, ये थंबनेल को देखने के बाद लोगों के माइंड में क्या आने वाला मैं बताऊं? पीपल विल बी लाइक, अरे कार लेंजिंग क्यों कार का ले रहे, शुड बी कार का जो लेंजिंग का लेना चाहिए। एंड यहाँ तो हम तैसन टॉक शो देखने आया था, पता नहीं यहाँ तो लेने देने का बात चल रहा है। देखो जिंदगी में आपको अपना दोस्त का उधार चुकाने का मौका बहुत मिलेगा। कोई तो अपना उधार रूम का अंदर ही चुका देता, कोई तो जाड़े का पीछे चुपा देता, पर ये जैसा यूट्यूबर लोग कहाँ चुकाता है पता है, जहाँ व्यूज वही। आपका भी पहला एक्सपीरियंस है क्या? आफ्टर लाइफ का अपडेट दे दूँ आप लोगों को, ज्यादा अपडेट नहीं मिलेगा, बस एक छोटा सा अपडेट है कि हमारा जो अफ्टर लाइफ अरुणाचल का ये एक ऐसा मूवी है जो मेरा अफ्टर लाइफ ही आने वाला है। ये अरुणाचल का एक ऐसा मूवी है जो बस आज तक तारीख पे तारीख ही देते गया है। शूटिंग का भी मैं थोड़ा बहुत क्लिप दिखाऊंगा इस वाले ब्लॉग। अभी भी हाग नहीं कहता है, पोटी कर लिया ना, लेटरिंग खुद घूमा था, अभी लेटरिंग करके आ गया ना। यहाँ तो हम मूवी का क्लिप देखने आया था पर हॉट टॉपिक तो लेटरिन चल रहा है। पूछ तो ऐसे रहे कि इसको लेटरिन टेस्ट करना था। मिस ब्यूटीफुल, जब भी आप नेक्स्ट टाइम लेटरिंग करके आएगा, थोड़ा सा लेटरिंग मिस्टर लंजिंग डोमिन के लिए ला देना और उसका मुंह में डाल देना, तब वो बोलेगा टेस्ट यहाँ है। टेस्ट कहाँ है? टेस्ट यहाँ है ना। इतना सुंदर कोई कैसे लेटरिंग कर सकता है?
इतना सुंदर लड़की लेटरिंग कैसे कर सकते है? यहाँ पे अपना लेंसिंग भैया दिमाग लगाया है, वो भी कमर का ऊपर से नहीं कमर का नीचे से। ये बात तो हम भी कभी सोचा ही नहीं, इतना सुंदर लड़की लेटरिंग कैसे कर सकता है। दोस्त लोग, आज तक हम भी इतना सुंदर लड़की को कभी लेटरिंग करने वाला नहीं देखा। अगर आप में से कोई सुंदर लड़की को लेटरिंग करने वाला देखा है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। वो इतनी सुंदर होकर कैसे लेटरिंग कर सकती है? इन द फ्यूचर आप लोग में से भी कोई यूट्यूबर बन जाता है तो आप लोगों को बस दो रूल फॉलो करना है। सबसे पहले आप लोगों को आईफोन लेना है। तो फिलहाल मैंने सोचा कि मैं एक आईफोन ले लेता हूँ, क्योंकि और सेकंड आप लोगों को आसपास जो भी हो सबका सब्सक्राइबर बढ़ा देना है, इवन कुकमैन हो जिनका चैनल का नाम है या कैमरामैन हो इनका भी एक खुद का यूट्यूब चैनल है और या सुंदर हो के लेटरिंग करने वाला हो इनका भी चैनल है, ये मुझसे इंस्पायर हुए है। बट इस टाइम जनता तय करेगा फार अवे या कुक मैन। आप अभी भी पुराना कैलेंडर देख रहे हैं त्रिवेदी बाबू? समय बदल गया है, अब राजा का बेटा राजा नहीं होता, वो होता है जो हकदार होता है। हम जैसा कॉमन इंसान का सुबह स्टार्ट होता है मूड का प्रेशर से या पेरेंट्स का गाली से, पर ये जैसे यूट्यूबर लोग का सुबह स्टार्ट होता है क्रीम का स्पॉन्सरशिप से। Hey, y'all, come look at this. कुछ क्रीम कंपनी लोग ऐसा कर रहा है कि जानवर को इंसान बनाने में लगा हुआ है, पर मामा अर्थ ऐसा पहला क्रीम है जो इंसान को जानवर बनाने में लगा हुआ है। जितना आज तक इसका पेरेंट्स इसका ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा, इतना एक्सपेरिमेंट मामा अर्थ वाले ने स्पॉन्सरशिप में इसका चेहरा में कर दिया। छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता कि साथ रहो। संडास दिखा तो छोटी बच्ची हो क्या। टोनी कक्कर एक तरफ, लंजिंग डोमिन एक तरफ, ये दोनों का गाना हम हमेशा सुन के क्या करते है पता है? हाँ थू। कैसी है नादानी तेरी, कैसी मनमानी तेरी, तू छोटी बच्ची हो क्या, छोटी बच्ची हो क्या। आप लोगों को पता है ये गाना मिस्टर लंजिंग डोमिन का दिमाग में कैसे आया? ये अपना पहले बेबी को कॉल किया, बेबी ताना ताया, फिर उसका बेबी रिप्लाई किया, बेबी आपसे हम गुच्छा है। तब जाके फिर ये अपना बेबी को बोलता है, कैसी नादानी तेरी, कैसी मनमानी तेरी, छोटी बच्ची हो क्या। तब बन गया ये गाना। बच्चा भी यहाँ सोच रहा होगा, लेंजिंग भैया बात तो रहा है पर गंध क्यों नहीं आ रहा है। ये तो बस ये दोनों का रियल लाइफ का वाइब मैच दिखा रहा है आप लोगों को। अगर रियल लाइफ का वाइब मैच अगर देखना चाहेगा तो टंग फाइट से लेकर बेट फाइट तक, अगर उसमें से भी मन नहीं भरा तो रे मिस्टेरियो का 619 बस उसमें 1 हट जाता है। अगर मेरी वीडियो को अपने फोन के इस तरफ से देखते हो तो आपको यहाँ पे 6 दिखाई दे रहा होगा, और इस तरफ जो इंसान खड़ा होकर देखेगा फोन के तो उसे 9 दिखाई दे रहा होगा, ये है ना। आपस में आप दोनों ये लड़ेंगे, ये बोलेगा इधर 6 है और इधर ये बोलेगा भाई ये तो 9 है यार। तो दोस्त लोग, ये वीडियो को यहाँ पे एंड करने का समय आ चुका है, क्योंकि एक हफ्ता से मेरा मुंह से बस लंड ही लंड निकल रहा है। तो ये वीडियो को आपको देख के थोड़ा सा भी पसंद आए तो जरूर लाइक मार के जाइए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अपना दोस्त के लड़की को जाके लाइन मारो।